हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे जेनेटिक कोड के बारे में। ठीक है। जेनेटिक कोड इट वाज डिस्कवर्ड बाय नायरनबर्ग एंड मैथ्यूरी इन 1961 एंड द फर्स्ट आरएनए कोडान वाज डिस्कवर्ड बाय देम इन इज UUU फॉर फेनिल एलानिन, फेनाइल एलानिन। ठीक है, आइए आप जानते हैं जेनेटिक कोड में। ये तो डिस्कवर्ड हो गया। mRNA इज द रैंडम सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड बाई बेसिस सच एज गुआनिन, एडनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। थ्री न्यूक्लियोटाइड टुगेदर कोड फॉर स्पेसिफिक अमीनो एसिड एंड आर कॉल्ड एज कोडॉन्स फॉर एग्जाम्पल AUG कोड्स फॉर मेथियोनिन, JUU कोड्स फॉर एस्पराजिन, GGU कोड्स फॉर ग्लाइसिन ETC। दिस आर कॉल्ड जेनेटिक कोड। मतलब कि mRNA जो क्षार द्वारा अलग किए हुए न्यूक्लियोटाइड का व्यवस्थित क्रम होता है। ठीक है, व्यवस्थित क्रम होता है, जैसे यूरेसिल, एडनिन, साइटोसिन, गुआनिन। तीन न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक निश्चित अमीनो अम्ल के को कोडित करते हैं। ठीक है, जिन्हें कोडान कहते हैं। उदाहरण जैसे AUG, ये है ना, AUG कोड फॉर मैथियोनिन। हाँ, तो AUG कोड जो होता है मैथियोनिन के लिए होता है, और GAU कोड एस्परजीन के लिए होता है, और GGU कोड ग्लाइसिन के लिए। ठीक, ये सभी मतलब जो है जेनेटिक कोड है। ठीक, आगे देखते हैं। द जेनेटिक कोड इज अ कोड फॉर अमीनो एसिड। स्पेसिफिकली इट इज कंसिडर्ड विथ विच कोडॉन्स कोड्स फॉर ए स्पेसिफिक अमीनो एसिड। कोडॉन इन्हें mRNA आर रीड ड्यूरिंग ट्रांसलेशन बिगनिंग विथ अ शॉर्ट कोडॉन एंड कंटिन्यूइंग यूनिट या स्टॉप कोडॉन इज रीच्ड। mRNA कोडॉन्स आर रीड फ्रॉम 5' टू 3' एंड दे स्पेसिफी द ऑर्डर ऑफ अमीनो एसिड इन ए प्रोटीन फ्रॉम एन थर्मस टू सी थर्मस। ठीक है, इसका मतलब जो अनुवांशिक कोड अमीनो अम्ल को कोड करने के लिए होता है, वह विशेषकर यह इससे संबंधित है कि कौन सा कोडान कौन से अमीनो अम्ल को कोड करते हैं करने के लिए विशेष है। mRNA के कोडान अनुवादन के समय पढ़े जाते हैं। ठीक है, हमारा ने कुरान जो उनके वो ट्रांसलेशन होता है उनके अनुसार पढ़ जाते हैं। अनुवादन प्रारंभिक कुरान के साथ, मतलब ट्रांसलेशन प्रोसेस जो स्टार्ट होता है उसको कुरान के साथ आरंभ होता है, तथा तब तक जारी रहता है जब तक समाप्त कुरान तक न पहुंच जाए। जहां स्टॉप कुरान होता है वहां तक न पहुंच जाए। हमारा ने के कुरान 5' टू 3' की डायरेक्शन में पढ़े जाते हैं। ठीक है, तथा यह प्रोटीन में अमीनो अम्ल के एन सिरे से सी सिरे की ओर क्रम में मतलब कोडित होते हैं। एन सिरे से सी सिरे की क्रम में कोडित होते हैं। ठीक है,
और इसका जनरल फीचर्स है जो द जेनेटिक कोड इज एंडो यूज विथ मेनी करेक्टिक फीचर विच हैव एक्चुअली बीन प्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंटल मतलब कि जो अनुवांशिक कोड में अनेक लक्षण होते हैं जो प्रयोग द्वारा सिद्ध किए हैं वो निम्न है। इसके बारे में हम अगले बार चर्चा करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं आज सिर्फ इतना ही बताता हूँ। एक बार मैं वीडियो मतलब जो लिखा हूँ उसको कर दूँ कि मान लो आपको कभी ज़रूरत है तो आप इसे लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए लिखा हुआ है जेनेटिक कोड के बारे में पूरा। हाँ, आप चाहे तो इसे पूरा एकदम अच्छे से लिख सकते हैं आप, और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अब मैं इसी पे वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, बात करते हैं अगले टाइम। बाय।